गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर कंबशन एंड फ्लेम, तो टाइप्स ऑफ कंबशन आज अपना टॉपिक है। इसके अंदर कंबशन के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं पूरा। स्टूडेंट्स क्या होता है कंबशन, यानी कोई भी फ्यूल जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर बर्न होता है और हीट लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। कुछ प्रोसेस कंबशन के अंदर जो है लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, हीट प्रोड्यूस होती है ओनली, ठीक है, जैसे रेस्टोरेशन का। इसके बाद हमने जो है कुछ डेफिनेशन हमने समझा, इग्निशन टेम्परेचर, सपोर्टर ऑफ कंबशन के अंदर हमने दो चीज़ें बताई, एयर और इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कंबशन को सपोर्ट करती है और इग्निशन टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है कोई भी फ्यूल को बर्न होने के लिए, ताकि वो जो है वो बर्न हो सके। तो इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एक पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए। यहाँ पर देखिए मैच स्टिक के बारे में आपको बता रहा था। मैच स्टिक के अंदर जो पहले जो मैच स्टिक होती थी उसके अंदर व्हाइट फॉस्फोरस का यूज होता था। मैच स्टिक पे व्हाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, इसके अंदर 35 डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो उसके अंदर जो है फायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे उसके अंदर, ठीक है। और तो आजकल जो मॉडर्न सेफ्टी मैच स्टिक यूज होता है उसके अंदर जो मैच बॉक्स होता है उसके साइड में जो है वो रेड फॉस्फोरस का कोटिंग होता है, और जो आपका मैच स्टिक होता है उसके अंदर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इजीली बर्न होने वाला सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स होता है, ग्लू होता है इसके अंदर, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, और ये जो है उसके अंदर ग्लास पाउडर ग्लास यूज करके जो है उसके अंदर उसका हेड जो है बनाया जाता है। एंटीमनी, पोटेशियम क्लोराइड और इसके अलावा जो है ग्लू होता है, पाउडर ग्लास होता है, ये उसके हेड में जो है वो मैच स्टिक हेड में उसको पेस्ट कर दिया जाता है, और मैच बॉक्स के साइड में जो है रेड फॉस्फोरस जो है उसको रफ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो इजिली इग्निशन टेम्परेचर को ऑब्टेन कर सके, ठीक है। रेड फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो इस वजह से जो है वो इजिली फायर को कैच नहीं करता है और इजिली जो मैच होती है वो काफ़ी सेफ होती है इस तरह, ठीक है, मैच स्टिक सेफ होती है। अब अपना जो टॉपिक है इसमें स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कंबशन, इसमें कंबशन के मेनली जो है 3 टाइप्स अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला है स्लो कंबशन, दूसरा रैपिड कंबशन, तीसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो देखिए स्लो कंबशन यानी ऐसा कंबशन जिसके अंदर प्रोसेस कंबशन बहुत स्लो होती है या फिर जिसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है इसके अंदर, तो इसको अपन जो है स्लो कंबशन बोलते हैं, या फिर व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न एट द मॉडरेट रेट, मॉडरेट रेट यानी मध्यम धीमी गति से, एंड इट इज कॉल्ड द स्लो कंबशन। ड्यूरिंग द स्लो कंबशन देयर इज अ नॉट सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर। तो स्लो कंबशन कब होता है, जब एयर की सप्लाई कम होती है, सफिशियंट एयर नहीं है सप्लाई, कंबशन इज नेवर कंप्लीट एंड द रिजल्ट इज स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस आते हैं। तो स्लो कंबशन के अंदर आपने बताया कि एयर का सप्लाई सफिशियंट नहीं होता है, तो इस कंडीशन इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो बहुत सारा स्मोक और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे काउडन केक, जैसे काउडन केक का बर्न नहीं होता तो उसमें बहुत सारा स्मोक निकलता है इसमें, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है इसके अंदर वुड है, कैरोसिन है, ऑयल लैम्प है, ये सब जो है स्लो कंबशन का एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो हीट भी कम प्रोड्यूस होती है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट था रैपिड कंबशन, ये फास्ट कंबशन, ये बहुत फास्ट ये कंबशन होता है। व्हेन सब्सटेंस बर्न एज सून एज इट इग्निशिएट एंड प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, जैसे अपन इसको इग्निशिएट करते हैं फट से जो है बर्न होना, जैसे एलपीजी है फट से बर्न होना स्टार्ट हो जाता है और काफी जो अमाउंट के अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सेट टू द अंडरगोज द रैपिड कंबशन, जैसे एग्जांपल बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, तो गैस स्टोव के अंदर जो कुकिंग गैस एलपीजी का जो बर्निंग है वो रैपिड कंबशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ पेपर, केरोसिन ऑयल, ये सब जो है रैपिड कंबशन है। एक्सप्लोजन का क्रैकर्स के अंदर जो एक्सप्लोजन होता है वो भी रैपिड कंबशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, अचानक जैसे कोई भी फायर जो होता है उसको अपन स्पॉन्टेनियस कंबशन, कंबशन ऑफ सब्सटेंस ऑन इट्स ओवन विदाउट बीइंग इनिशिएटेड कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी अपन बिना जलाए ही अपने आप जो आग पकड़ ले इसको स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, यानी अपन बिना इनिशिएट किए ही वो फायर को कैच कर लेता है। तो इट अकर बिकॉज ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इन द लोअर देन ऑफ रूम टेम्परेचर, क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर था वो काफ़ी कम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर भी कम इग्निशन टेम्परेचर होता है तो वो अपना आग पकड़ लेता है, जैसे व्हाइट फॉस्फोरस वो रैपिड सॉरी स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करता है, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। वैसे जो है फॉरेस्ट सॉरी इसलिए जो है व्हाइट फॉस्फोरस को जो वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है।
अच्छा जी, अपन बात करें अंडरग्राउंड जो कोल माइंस होती है, अंडरग्राउंड कोल माइंस में क्या होता है, जो माइनिंग होता है तो उसमें कोल का काफी ज्यादा डस्ट उसके अंदर फील हो जाती है माइंस के अंदर। अब वो वहाँ पे अगर हल्का सा भी इस्पात ही होता तो बहुत तेज से उसमें कम्बशन स्टार्ट हो सकता है उसके अंदर, तो वो एक बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है उसके अंदर। तो इसलिए जो है कोल माइंस के अंदर जो है प्रॉपर एयर का सप्लाई और वेंटिलेशन रखना पड़ता है, डस्ट को जो है वो रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो उसके अंदर जो है फायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट फॉरेस्ट फायर जो है ये भी स्पॉन्टेनियस कम्बशन के अंदर हो सकता है। इसके अंदर जैसे फॉरेस्ट के अंदर जो अभी पूरा जो ड्राई होता है उसके अंदर इजिली जो फायर को कैच कर लेता है हल्का सा रबिंग होने से भी, तो वो भी जो स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो सकता है। ठीक है ये चीज। अब बात करते हैं इसके अंदर अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर स्टूडेंट फायर फाइटिंग। ठीक है, फायर फाइटिंग कैसे करना है, यानी कहीं पर आग अगर जल रही है तो उससे कैसे फाइट करना है, इससे कैसे उसको जो है कट ऑफ करना है। फायर फाइटिंग क्या होता है इसमें, अपने कम्बशन के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए अपने को कोई भी प्रोसेस जो है कम्बशन प्रोसेस के अंदर एक तो आपको चाहिए इसके अंदर कम्बस्टिबल मटेरियल चाहिए, और दूसरा आपको चाहिए होता है इसके अंदर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर, और थर्ड चीज आपको इसमें चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल इज हायर देन ऑफ इग्निशन टाइप। तो कोई भी चीज बर्न होगी तो उसके लिए एक तो कम्बस्टिबल मटेरियल, दूसरा इसके अंदर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर, और तीसरा इसमें से आपको चाहिए टेम्परेचर हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो कोई चीज बार होगा, अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो फायर जो है वो कंटिन्यू नहीं होती या ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसमें से अपन कोई भी एक कंडीशन को जो है वो अपन हटा दें, इसमें तीन देखिए तीन चीजें हैं मैन कोई भी बात नहीं होने के लिए। एक तो इसके अंदर जो है कम्बस्टिबल मैटेरियल, दूसरा है इसके अंदर आपका एयर के सप्लाई, और थर्ड आ जाता है इसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है इसके अंदर टेम्परेचर। ये तीन चीजें अगर है तो कोई भी चीज का कम्बशन इजीली पॉसिबल होता है। वहां पे आपको अगर कोई भी फायर को फाइट करना है यानी कट ऑफ करना है, फायर को ऑफ करना है, इनमें से कोई भी एक चीज को रिमूव करेगा या ऑफ करेगा इससे हटा दीजिएगा तो आपका फायर जो है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे अपन अगर कम्बस्टिबल मटेरियल को ही हटा दे तो आपका बर्निंग ऑफ हो जाएगा, या फिर एयर को कट ऑफ कर दें तो भी फायर ऑफ हो जाएगी, या टेम्परेचर जो है उसको अपन डाउन कर दें, इग्निशन टेम्परेचर को जो है यहाँ पे अपने को उसका जो हीट है वो अपन कम करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे, तो अगर उसके ऊपर हम जैसे वाटर डाल देते हैं कोई भी मटेरियल पे तो वो उसका जो हीट है वो कम हो जाएगा इसके अंदर, तो वो इग्निशन टेम्परेचर को अटेंड नहीं करेगा तो वो बर्न नहीं होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक टॉपिक दिया है टेकिंग केयर ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल, यानी आपको कम्बस्टिबल मटेरियल का कैसे ध्यान रखना है इसके अंदर आपको। ठीक है, तो इसके अंदर एक पहली चीज है इसके अंदर जैसे अपने घर के अंदर जैसे कोई कम्बस्टिबल मटेरियल है जैसे कर्टन्स है, कारपेट है, वुडन फर्नीचर है, ये सब कम्बस्टिबल मटेरियल होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, क्लोथ होते हैं, ये कम्बस्टिबल मटेरियल होते हैं। मतलब मोस्टली जो है फायर का कैच होने का चांसेस ज़्यादा जैसे किचन के अंदर जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है इसके अंदर, या स्टोव बर्नर के पास में काम करते हैं तो उसके अंदर। ठीक, यहाँ पे देखिए फायर का चांसेस कब होता है, जैसे कोई विंडो के अंदर कोई बर्निंग कैंडल या फिर जो लैम्प को रख देते हैं और तेज विंडी एयर ज़्यादा चलती है इसमें, तो उस विंड की वजह से वो लैम्प या फिर कैंडल जो है वो कोई भी जो है क्लोथ या कर्टन के कांटेक्ट में आने से फायर हो सकता है इसमें, या फिर कहीं पे जो है पेट्रोल स्टेशन है जो है उनके ऊपर हाईली कम्बस्टिबल मटेरियल होते हैं इसमें, ठीक है, इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है जैसे पेट्रोल डीजल, तो वहाँ पे जो है कोई भी चीज़ बर्निंग वाली चीज़ या फिर जो है स्पार्किंग वाली चीज़ अगर वहाँ पे होती है तो उससे बहुत तेज से वो फायर को कैच करती है, क्योंकि उसके आसपास में वेपर होती है वो वेपर जो है वो फायर को कैच कर सकती है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्विचेज वगैरह होता है उसके अंदर स्पार्किंग नहीं हो, इसलिए ऐसे डिजाइन किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये ऐसे एलपीजी गोदाम है, फायर क्रैकर शॉप है, एमुनेशन डैम होते हैं, वहाँ पे जो है स्पार्किंग ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है इसके अंदर, या फिर कोई भी जो है
फ्लैम वहां पे नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट बात पे टेकिंग और द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर, यानी अगर देखिएगा अपने को जो है फायर को ऑफ करना है इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, या तो एयर का कट ऑफ कर दीजिए या फिर जो है इग्निशन टेम्परेचर को जो है यहाँ पे इसको कम करना है। तो वंस अ फायर हैज स्टार्टेड इट कैन बी द एक्सटिंग ओनली इधर बाय द कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टिबल मटेरियल बिलो इट द इग्निशन पॉइंट। यानी या तो आप क्या करिएगा इसके अंदर कि एयर का सप्लाई कट ऑफ कर दीजिए या फिर जो इग्निशन टेम्परेचर को इसको कम कर दीजिए, इसको यानी उसका बिलो द इग्निशन टेम्परेचर को जो है बिलो द इग्निशन टेम्परेचर कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो इस तरह से अपन फायर को कट ऑफ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल कैसे दिए इसके अंदर, जैसे कोई वुड है या वुड वेस्ट प्रोडक्ट है इसके अंदर, तो आपको उसके अंदर फायर को ऑफ करना दिया था, उसके अंदर आप कम्बस्टिबल मेटल वुड है उसको रिमूव करिए या फिर एयर का ऑफ करिए या फिर उसके ऊपर वाटर पोर करके अपन उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे तो इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहेगा तो उसका बर्निंग ऑफ हो जाएगा। वैसे देखिए कोई भी पर्सन से क्लोथ के अंदर फायर कैच कर लिया इसने, तो उसके अंदर फायर ऑफ कैसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, अब क्लोथ कम्बस्टिबल मेटल उसको अपन नहीं हटा पा रहे तो उसके अंदर एयर को कट ऑफ करिए, उसको किसी ब्लैंकेट से कवर करेंगे तो एयर कट ऑफ हो जाएगी या फिर उसके ऊपर वाटर अपन पोर करेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उसके अंदर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर होते ही कम्बस्टिबल मेटल का बर्निंग ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इफ द फायर इज कॉज्ड बाय ऑयल और गैस से हो, तो ये अपन जो है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंगुइशर होता है इसका यूज करते जो है फायर को ऑफ कर सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंगुइशर के बारे में बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो अगला जो है इसके अंदर आपका है इसके अंदर फायर एक्सटिंगुइशर, फायर एक्सटिंगुइशर। ये फायर एक्सटिंगुइशर जो है इसके अंदर अपन यूज कर रहे हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी इसमें जो प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये फायर एक्सटिंगुइशर जो होता है इसमें एक मेटलिक जो है ऐसा टैंक होता है, इस टैंक के अंदर जो है आपका दो तरह के इसके अंदर सॉल्यूशन फील होता है इसके अंदर आपके, एक तो इसके अंदर अपन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कराना है आपको इसके अंदर, तो जैसे इसके अंदर अपन फील कर देते हैं इसके अंदर, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और इसके साथ में अपन एक ट्यूब के अंदर जो है वायर को उसके अंदर S+4 या सल्फ्यूरिक एसिड कर देते हैं इसके अंदर। अपने को जैसे ही इसका यूज करना होता है तो ये जो इसके अंदर वायर बॉस के अंदर अपन ये जो ट्यूब रखते हैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, इस ट्यूब को अपने को जो है ड्रैग करना होता है, उसके अंदर प्लग को रिमूव प्लगर होता है इसको रिमूव करके इसको पुश करते हैं, तो इसके अंदर जो ट्यूब होती है ग्लास की वो क्रैक होती है, तो ये एसिड जो है वो जाके इसके साथ में मिक्स होता है, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में ये मिक्स होगा तो यहाँ पे देखिए आपका बनेगा इसके अंदर ये सोडियम यानी टू सोडियम सल्फेट प्लस इसके अंदर आपका बन जाएगा इसके अंदर H2O प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो CO2 प्रोड्यूस होगी, अपन जहाँ पे भी फायर हो रहा है उस फायर वाली जगह पे जगह अगर अपन यहाँ पे इसको CO2 को जो तेजी से डालेंगे इसके अंदर, तो वहाँ की जो एयर जो है वो यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे ऑफ हो जाएगी, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई ऑफ होगी तो मेटेरियल का बर्निंग जो है वो ऑफ हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये फायर एक्सटिंगुइशर जो है वर्क करता है इसके अंदर। ये फायर एक्सटिंगुइशर को कहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं इसके अंदर, तो द फायर एक्सटिंगुइशर शुड बी यूज अगेंस्ट द फायर कोज बाय द सॉलिड इनफ्लेमेबल मटेरियल, यानी जहाँ पे सॉलिड मटेरियल का बर्निंग हो रहा है वहाँ पे अपन इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड एज फायर कोज बाय द इनफ्लेमेबल लिक्विड। अब देखिए इसका अगर कोई लिक्विड पेट्रोल ऐसे डीजल इनका अंदर कोई फायर हो तो वहाँ पे इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूशन आता है इसके अंदर, ठीक है, वो हैवी होता है, तो उसके अंदर वो उल्टा जो ऑयल वगैरह उसके ऊपर फ्लोट करेगा तो फायर और ज़्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है, एंड डज नॉट बट ऑफ। और इट शुड नॉट बी यूज इन इलेक्ट्रिकल फायर, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूशन निकलेगा उसके साथ वाटर भी निकल रहा है ना इसके अंदर, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, तो आपको भी जो है इलेक्ट्रिक शॉक इसके अंदर लग सकता है। Taking care of the victim of the fire, next week topic there was in the taking care of the victim of fire. तो वैसे किसी person की body के ऊपर आग लग जाए तो उसको कैसे आपको care करना है, तो पहले remove the victim to an open spaces as to counter the effect of the smoke and the carbon dioxide monoxide. यानी आपको क्या करना, उस victim को जो है वहाँ से किसी दूर जगह पे ले जाना इसके अंदर, ताकि उसको प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे दूर ले जाना इसके अंदर। नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपको करना पड़ेगा इसके अंदर क्या है, सेंड द विक्टिम टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी आपको उसको तुरंत जो है वो हॉस्पिटल सेंड करना है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इफ द क्लोथ ऑफ द विक्टिम कैच द फायर, अगर उसके क्लोथ के अंदर फायर है तो उसको आपको क्या करना है, मतलब उसको कवर करना है
कोई ब्लैंकेट से उसके फायर को कट ऑफ करना, एयर को कट ऑफ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पोर द कोल्ड वाटर उसके बॉडी के ऊपर पोर करना, ताकि जो है उसका बॉडी का हीट रिमूव होगा, ताकि उसके ये प्रिवेंट करेगा बॉयल्स यानी जो छाले हो जाते हैं उसको कम करेगा। नेक्स्ट एक डिसएडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन, अभी हमने बताया कि जो स्लो कम्बशन वाली प्रोसेस होती है उसके अंदर एयर का सप्लाई जो है कम होने की वजह से इसके अंदर जो है कम्प्लीट कम्बशन नहीं होता। इसका इनकम्प्लीट कम्बशन के केसेस में जो है लॉट ऑफ स्मोक और पॉल्यूशन केसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, पहला ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनिंग गैस है, ठीक है, वो अपने आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ में परमानेंट बाइंड होकर अपने हीमोग्लोबिन को जो है वो खराब कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर इसका डिसएडवांटेज है इसके अंदर ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कम्बशन आ पार्ट ऑफ द अनबर्न कार्बन जो है, जो अनबर्न कार्बन रह जाता है पास इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ सूट, यानी धुएं के रूप में अनबर्न जो कार्बन है वो चला जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड दिस इज नॉट ओनली वेस्ट ऑफ द फ्यूल, इसमें फ्यूल का तो वेस्टेज है ही है, बट ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का भी जो है पॉल्यूशन होता है इसके अंदर। तो ये जो है डिसएडवांटेज हो जाते हैं इसके अंदर आपके इनकम्प्लीट कम्बशन का। तो कंप्लीट कम्बशन के लिए आपका जो मटेरियल है वो इग्निशन पॉइंट इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, उसका प्रॉपर एयर का सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन नेसेसरी है। तो इनकम्प्लीट कम्बशन से पॉल्यूशन होता है। ओके सर, ये तो था अपने इसके अंदर टाइप्स ऑफ कम्बशन, इसके अंदर फायर फाइटिंग कैसे करना है ये चीज समझे। नेक्स्ट आपका जो है इसके अंदर कम्बशन प्रोसेस के बाद में आपका जो टॉपिक है इसके अंदर फ्लैम। तो फ्लैम क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इसको अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।